जब बात हो हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ डांसरों की तो सबसे पहले हेलन और वैजयंती माला जैसी सदाबहार हीरोइनों का नाम आता है, लेकिन उनसे भी पहले एक ऐसी हीरोइन और केबरेट डांसर रही जिनके डांस के सभी लोग कायल थे, ये थी कुकुमोरे। कुकुमोरे 50 के दशक की जानी मानी केबरेट डांसर रही हैं। कुकुमोरे एक ऐसी हीरोइन थी जो अपने भड़कीले अंदाज, भड़कीले पहनावे और खर्चीले ढंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन आखिरी वक्त में वो ऐसे फटेहाल हो गई कि दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। कुकुमोरे हेलेन की पारिवारिक मित्र थी और उनके डांस के सभी लोग कायल थे, खुद हेलेन भी उन्हें खूब मानती थी। डांस करते वक्त कुकुमोरे में इस कदर फुर्ती होती थी कि उन्हें रबर गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। ये कुकुमोरे के डांसिंग टैलेंट का ही कमाल था कि केबरे स्टाइल 50 के दशक में जरूरी बन गया था। कुकु एक डांस आइटम के 6,000 रुपये चार्ज लेती थी, जो उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा होता था, और कई लोग उनकी इतनी फीस को लेकर जलते भी थे। सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी में ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी कुकु काफी खूब चर्चित हुआ करती थी। कुकु शान शौकत की कितनी शौकीन थी, इसका अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि उनके पास 3 लग्जरीज गाड़ी थी, जिनमें से एक गाड़ी उनके इस्तेमाल के लिए थी, एक उनके कुत्तों के लिए थी, तो वहीं एक गाड़ी उनके खास हेलन के लिए थी। एक से एक प्लेट और काफ़ी सारी ज्वेलरी उनके पास थी, लेकिन कहा जाता है कि एकदम टैक्स का उल्लंघन करने के चक्कर में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, इसकी वजह से उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। कुकु का बुरा वक्त शुरू हो गया था, संपत्ति तो गई ही थी, साथ ही जिस निदेशक के प्यार में वो पागल थी वो भी उनकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन अचानक ही एक दिन कुकु को पता चला कि उन्हें कैंसर है। एक आम इंसान ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में सुनकर टूट जाएगा, लेकिन कुकु नहीं टूटी और खुद इसका खुलासा हेलन ने एक इंटरव्यू में भी किया था। हेलन के मुताबिक कुकु यूनिक थी, कैसी भी परिस्थिति हो कुकु कभी नहीं घबराई और हर वक्त मुस्कुराती रहती। सारा पैसा चला गया था, फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन मजाल है जो कुकु की आंखों में एक भी आंसू आया हो, बल्कि वो अपनी परिस्थिति का खुद ही मजाक उड़ाती थी। आखिरी वक्त में तो ऐसा हाल हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें गुमनामी में ही छोड़ दिया। दवाइयां खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कुकु अपना इलाज नहीं करा पाई और फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब उनकी मौत हुई तो भी दो आंसू बहाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया, किसी ने भी उनकी हालचाल नहीं लिए। कुकु तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह गई, पीछे छोड़ गई तो सिर्फ यादें। हेलन जैसी डांसर फिल्म इंडस्ट्री को देने का श्रेय कुकु को ही जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।